हेलो गाइस, मैं सृष्टि उपाध्याय, आपका अपने यूट्यूब चैनल बीएलएड कोर्स पे हार्दिक स्वागत है। गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एनसीईआरटी की स्थापना किस सन में की गई थी? एनसीईआरटी की स्थापना किस सन में की गई थी? 1961, 1963, 1964, 1960। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 1961। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में की गई थी। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी का कार्यालय किस शहर में है? एनसीईआरटी का कार्यालय किस शहर में है? लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, बनारस। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, दिल्ली। एनसीईआरटी का कार्यालय दिल्ली में है, दिल्ली शहर में है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में एनसीईआरटी के कितने कार्यालय हैं? वर्तमान में एनसीईआरटी के कितने कार्यालय हैं? 20, 17, 19, 23, 2017, 2019, 2023। ऑप्शन बी करेक्ट है, 17। वर्तमान में एनसीईआरटी के 17 कार्यालय हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में एनसीईआरटी का संगठन कितने स्तरों में है? वर्तमान में एनसीईआरटी का संगठन कितने स्तरों में है? 3, 4, 6, 8। ऑप्शन ए करेक्ट है, 3। वर्तमान में एनसीईआरटी संगठन के 3 स्तर हैं। अगला प्रश्न है, परिषद के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? परिषद के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? अध्यक्ष, चेयरमैन, उपाध्यक्ष, निदेशक। ऑप्शन डी करेक्ट है, निदेशक। परिषद के सर्वोच्च अधिकारी को निदेशक कहते हैं। अगला प्रश्न है, परिषद में नियुक्त अधिकारियों का कार्यालय कितने वर्ष के लिए होता है? परिषद में नियुक्त अधिकारी, जो परिषद के लिए अधिकारी नियुक्त होते हैं, उनका कार्यालय कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का, 5 वर्ष, 8 वर्ष, 4 वर्ष। ऑप्शन बी करेक्ट है, 5 वर्ष, 5 ईयर। परिषद में नियुक्त अधिकारियों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, 5 ईयर के लिए होता है, जो परिषद में नियुक्त अधिकारी होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिभा खोज परीक्षा का संपादन कौन सी संस्था करती है? प्रतिभा खोज परीक्षा का संपादन कौन सी संस्था करती है? NCTE, NCERT, SCERT, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी करेक्ट है, NCERT। प्रतिभा खोज परीक्षा का संपादन NCERT करती है। गाइस, प्रतिभा खोज परीक्षा जो कक्षा 10 पास करने वाले छात्र होते हैं, जब वो कक्षा 10 पास कर लेते हैं तो उसके बाद यह परीक्षा वो दे सकते हैं। प्रतिभा खोज परीक्षा NCERT संस्था संपादित करती है। अगला प्रश्न है, जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा का संपादन कौन सी संस्था करती है? जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा का संपादन कौन सी संस्था करती है? NCTE, SCERT, NCERT, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, NCERT। जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा का संपादन NCERT करती है। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, NCERT संगठन के स्तर हैं। NCERT संगठन के स्तर हैं, सामान्य निकाय, कार्यकारिणी समिति, परिषद। इनमें से सभी। इसका ऑप्शन डी सही है, इनमें से सभी। गाइस, इसके पहले हमने एक क्वेश्चन देखा था कि NCERT के कितने स्तर हैं, तो उसमें 3 ऑप्शन सही था उसका। 3 स्तर हैं, वो 3 स्तर हैं, सामान्य निकाय, कार्यकारिणी समिति, परिषद। और परिषद के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? निदेशक। आई होप गाइस, वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।